जहां बाल दिवस के अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बच्चों से मुलाकात की है। ताइक्वांडो सीखने वाले बच्चों से सीएम योगी आदित्यनाथ मिले हैं। बच्चों ने सीएम को गुलाब का फूल देकर शुभकामनाएं दी है। गोरखनाथ मंदिर में बच्चों से मुलाकात की है तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बच्चों से मुलाकात की है। बाल दिवस के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बच्चों को शुभकामनाएं दी है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को बधाई दी है। गोवर्धन पूजा की प्रदेशवासियों को बधाई सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया है। श्रद्धालुओं को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। तो गोवर्धन के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये बधाई दी है। ट्वीट के माध्यम से सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को बधाई दी है। श्रद्धालुओं को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ विकास हमसे जुड़ चुके हैं। विकास, सीएम योगी आदित्यनाथ 3 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर हैं, जहां आज उनका अंतिम दिन है गोरखपुर के दौरे पे। चाहे उन्होंने जनता दरबार लगाया, कल भी लगाया था और एक बार आज फिर से उनके द्वारा लगाया गया। कितनी संख्या में फरियादी पहुंचे? जी आपको बता दें, सीएम योगी जब भी गोरखपुर में रात्रि विश्राम करते हैं तो अगले दिन अगर कोई बड़ा कार्यक्रम न हो तो जनता दर्शन लगभग लगता है। इसी के तहत उन्होंने कल भी लगाया था और दौरे के अंतिम दिन यानी तीसरे दिन भी उन्होंने जनता दर्शन कार्यक्रम लगाया। सैकड़ों की संख्या में फरियादी, जो कि थानों और तहसीलों पर न्याय नहीं मिलता है, प्रदेश और जनपद के गोरखपुर के अगल बगल के जिलों के हैं, सीएम के सामने अपनी फरियाद करते हैं और सीएम उनको अधिकारियों जो वहां मौजूद रहते हैं उनको त्वरित कार्रवाई के निर्देश देते हैं। एक विश्वास, एक उम्मीद लोगों को, जो सांसद थे तब भी और 6 साल से मुख्यमंत्री है तब भी वो सीएम के साथ विश्वास है। इसी के तहत सैकड़ों लोग सुबह से ही वहां पहुंचते हैं और अपनी चीजों को बताते हैं। सीएम योगी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जब तक अंतिम संख्या 100 हो या 500 हो, जब तक अंतिम आदमी तक फरियाद पत्र अपने हाथ से स्वयं नहीं ले लेते हैं तब तक जनता दर्शन कार्यक्रम नहीं खत्म करते हैं। जनता दर्शन कार्यक्रम उन्हें लगाया खत्म हुआ उसके बाद आज बाल दिवस के दिन सीएम योगी का जो बाल प्रेम वो जाहिर है। चाहे वो जब भी किसी कार्यक्रम में जाते हैं या जब जनता दर्पण कोई फरियादी अपने साथ बच्चे को लाता है उसको चॉकलेट देते हैं, बच्चे उन्हें चॉकलेट बाबा भी कहते हैं। बाल दिवस के दिन ताइक्वांडो जो सीखने वाले बच्चे हैं वो मंदिर में पहुंचे और उन्होंने सीएम योगी को जो है वो गुलाब का फूल दिया, सीएम योगी ने उनको आशीर्वाद दिया और साथ साथ उनके साथ फोटो भी खिंचवाई। जी विकास, सीएम योगी आदित्यनाथ जब भी गोरखपुर जाते हैं जनता दरबार लगाते हैं और आज भी उन्होंने जनता दरबार लगाया और देखा जाता है बड़ी संख्या में फरियादी अपनी फरियाद लेकर पहुंचते हैं, तो कौन से मामले अधिक संज्ञान में आते हैं जो लोग लेकर पहुंच रहे हैं? जी आपको पता है अधिकतर मामले भूमि संबंधित होते हैं, भूमि संबंधित मामले होते हैं या कुछ घटनाएं जिनके अनावरण हुए हैं या कभी कभी गलत कार्य करने का जो आरोप लगता है कि पुलिस या थानों की तरफ से गलत रिपोर्ट लगा दी गई है, तो सीएम योगी एक बार जरूर कहते हैं कि इसकी जांच करिए और जो भी सही हो उस पर कड़ी कार्रवाई करिए। तो एक विश्वास उम्मीद के साथ दूर दूर से लोग पहुंचते हैं क्योंकि जानते हैं अगर सीएम मेरे फरियाद पत्र को हाथ में ले लेंगे तो मुझे त्वरित और पक्का न्याय मिलेगा। जी ठीक है, धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए।